कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफ़रतें वतन में पैदा की गई हैं उनको ये देखना चाहिए, मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा करते हैं। यात्रा बंद हो जाएगी तो आपके लोगों को नुकसान नहीं होगा। जो गरीब कमा रहा है वहाँ पे, जो उनका सामान उठाता है, वो कहाँ जाएगा सर्दियों में? अल्लाह का करम है, अभी तक पानी बरस रहा था तो हमें बिजली की हालत अच्छी थी। अल्लाह करे कि आगे भी हमारी बिजली की हालत अच्छी रहे। मैं भी हुकूमत से गुजारिश करूँगा इसी तरह तवज्जो दें। पानी की स्कैसिटी हो जाती है, मगर अभी पानी की स्कैसिटी इतनी नहीं है, मगर इनको ज़रूर इसकी तरफ देखना चाहिए। जहाँ तक राशन का मसला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब वो कम कर दिया है। हम लोगों ने अपील की है, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ फूड का, हमने उसमें गुजारिश की है कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हम चावल खाने वाले हैं, हमें इसकी तो पहले भी मकदार थी, उसको बहाल किया जाए। हमने गुजारिश किया, उम्मीद करते हैं कि वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। मुबारक हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग आते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफ़रतें वतन में पैदा की गई हैं उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा करते हैं। किस चीज़ की? देखिए साहब, यात्रा हर वक्त दुनिया यात्रा होती है। यात्रा बंद हो जाएगी तो आपके लोगों को नुकसान नहीं होगा। जो गरीब कमा रहा है वहाँ पे, जो उनका सामान उठाता है, वो कहाँ जाएगा सर्दियों में? वो सर्दियों में यही कमाई जो आज का 2 महीने में कमाता है वही खाता है।